नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो न सिर्फ सरकार की विफलता की तरफ इशारा कर रहा है बल्कि बैंकिंग सेक्टर की कमजोरी और आपके पैसे पर मंडराते खतरे की तरफ भी इशारा कर रहा है, क्योंकि इस साल की सबसे बड़ी साइबर धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। दुनिया भर के 13 लाख क्रेडिट और डेबिट कार्ड का डेटा चोरी हो गया। चौंकाने वाली बात यह कि इनमें से 12 लाख यानी कि 90% डेटा भारत से चोरी हुआ है। इसमें आपका भी क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड का डेटा हो सकता है जो चोरी हो गया, जो जोकर्स स्टैश नाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचा जा रहा है। लेकिन इस बार जो धोखाधड़ी हुई है उसको समझने की कोशिश कीजिए। अभी तक आपके कार्ड का नंबर, जी हां, आपके कार्ड का नंबर जिसके जरिए चोरी होती थी, आपसे CVV पूछा जाता था, OTP को लिया जाता था और उसके बाद आपके अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाता, जिसे ट्रैक 1 जानकारी कहते हैं। लेकिन इस बार ट्रैक 2 जानकारी भी चोरी हो गई। अब ये क्या है इसको भी जरा समझिए। आपके कार्ड के पीछे ये ब्लैक स्ट्रिप है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन है। अक्सर आप कार्ड को स्वैप करते हैं, जब आप कार्ड को स्वैप करते हैं तो वो मशीन आपकी इसी जानकारी को डिकोड करती है और उसके जरिए ट्रांजेक्शन होती है। अब जो ये जोकर्स प्लेटफॉर्म है, इसने आपके ट्रैक 2 यानी कि इस ब्लैक स्ट्रिप के अंदर जो जानकारी उसको भी लीक कर दिया है और ये आंकड़ा 1 या 2 नहीं बल्कि 12 लाख क्रेडिट और डेबिट कार्ड का है। तो ट्रैक 1 डेटा में सिर्फ कार्ड नंबर होते हैं जो दरअसल ये है और ये सामान्य है। लेकिन सिंगापुर की साइबर डेटा एनालिसिस करने वाली नामी संस्था ग्रुप IB के अनुसार हैकर की वेबसाइट जोकर स्टैश पर 13 लाख बैंक कार्ड की बिक्री हो रही है। वहां आपके कार्ड भी हैं, हो सकता है उनकी खुलेआम बिक्री हो रही है, क्योंकि इनमें से 98% भारतीयों के हैं और 18% तो एक ही बैंक के कार्ड हैं। अब जरा अंदाजा लगाइए, एक बैंक के ज्यादातर कार्ड जिनकी ट्रैक 2 जानकारी भी लीक हो चुकी है। बहरहाल इस बैंक के नाम का खुलासा नहीं हुआ है। हर कार्ड का डेटा $100 यानी कि करीब 7,000 रुपए में बेचा जा रहा है। यानी कि अगर आपके कार्ड की जानकारी जोकर्स पर है तो फिर आपके कार्ड की जानकारी 7,000 रुपए में बेची जा रही है। उसके जरिए आपके साथ कितना धोखाधड़ी होगा यह बताना मुश्किल, लेकिन अंदेशा है कि हैकिंग के अलावा डेटा ATM और POS में भी स्कीमर से यह सब कुछ चुराया जा रहा है। अब सवाल इसके बाद यह बनता है कि क्या वाकई में एक तरफ हिंदुस्तान कैशलेस की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ कार्ड की महत्वपूर्ण जानकारी भी चोरी हो रही है, तो फिर इसको रोकेगा कौन? आज इस सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण कि जो जानकारी लीक हो रही है क्या उसको रोका जा सकता है? अगर धोखाधड़ी होती है तो फिर क्या आपको नुकसान होगा या बैंक को नुकसान होगा? सबसे पहले साइबर जानकार जो बताते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। वो बताते हैं कि अब नुकसान की भरपाई बैंकों की जिम्मेदारी है, यानी अगर कोई धोखाधड़ी होती है, आप FIR दर्ज करते हैं तो बैंक जिम्मेदारी लेंगे। साथ ही ग्राहकों को भी सावधानी बरतनी चाहिए, जिसके तहत बैंकों को बड़े लेन देन तफ्तीश के बाद क्लियर करने चाहिए। RBI के नियमों के मुताबिक अगर कार्ड दुरुपयोग में उपभोक्ता की गलती नहीं है तो भरपाई बैंक को ही करनी चाहिए। ग्राहक लेन देन करने वाले कार्ड में सीमित पैसा ही रखे तो ठीक रहेगा, ज्यादा नुकसान नहीं होगा। असुरक्षित वेबसाइट पर लेन देन से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपके डेटा के चोरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। संदिग्ध निकासी दिखे तो तुरंत पुलिस और बैंक को लिखित सूचना दीजिए। सरकार को पेमेंट नेटवर्क सुरक्षित बनाने चाहिए। भारत के पेमेंट नेटवर्क असुरक्षित है, जिसे दुरुस्त किया जाना बेहद जरूरी है। वहीं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति कागजी दस्तावेज बन गई है। कड़े साइबर सुरक्षा कानून की जरूरत, लेकिन वो कानून किस तरीके के होंगे ये आपको बताएं। उससे पहले आपको ये भी बता देते हैं कि जिस प्लेटफॉर्म का जिक्र बार बार हो रहा है, जोकर स्टैश, वो दरअसल क्या और किस तरीके से काम करता है। जोकर स्टैश एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। जोकर स्टैश के पीछे FIN7 नाम की संगठन काम कर रहा है। अनुमान है कि इसे चलाने वाले रूस के हैकर्स, लेकिन पुख्ता जानकारी दुनिया में किसी के पास नहीं। ये कंपनियों के डेटा नेटवर्क को हैक करके डिटेल चुराते हैं। ये डेटा बेचकर 7,000 करोड़ अभी तक कमा चुके हैं। जरा सोचिए, आपके अकाउंट से थोड़ा पैसा कटता होगा, लेकिन उनके अकाउंट में अभी तक कितना जा चुका है इसका अंदाजा भी आपको नहीं। इस पर अपराधी पेमेंट कार्ड डिटेल की खरीद फरोख्त करते हैं, कार्ड की क्लोनिंग करके पैसा चुराया जाता है और यह दुनिया के 1 करोड़ से ज्यादा
ग्राहकों के कार्ड अभी तक हैक कर चुके हैं। ये ग्रुप ट्रंप प्रशासन के अफसरों की सोशल सिक्योरिटी नंबर तक बेच चुका है और अब इनकी नजर ट्रैक टू पर, और ये 12 लाख कार्ड हिंदुस्तान के जिनकी जानकारी इस प्लेटफॉर्म पर खुलेआम बिक रही है। लेकिन इसको रोका कैसे जाए और किस तरीके से साइबर लॉज के साथ साथ इस गेट को और ज्यादा मजबूत किया जाए, दो महत्वपूर्ण गेस्ट आज हमारे पैनल में है। आयुष भारद्वाज हमारे साथ हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ हैं आयुष सिंह राठौड़, बैंकिंग एक्सपर्ट हैं। आयुष सिंह राठौड़, क्या यह माना जाए कि जो ये कमी है, जो डाटा लीक हो रहा है, ये बैंकिंग सेक्टर की सबसे बड़ी कमी जिसका नुकसान आम आदमी को उठाना पड़ रहा है? विजेंद्र जी, इस टॉपिक को ना थोड़ा सा आपको डीपली समझने की ज़रूरत है। देखिए क्या हो रहा है कि हम लोग एक कंजम्पशन के कंजम्पशन सोसाइटी में रहते हैं और वहाँ पे डिमांड और सप्लाई का फेर बदल चल रहा है ना। जो आप आज कर रहे हैं, आज इस मैटर के बारे में बात कर रहे हैं, वही इस मैटर का सबसे बड़ा सल्यूशन और सबसे बड़ा यू नो लेट्स से न्यूट्रलाइजर है। वो कैसे है? ये जो भी डेटा लीक हो रहा है, जो भी इनको डेटा उठा रहे हैं और इतने बड़े बड़े लोगों का डेटा उठा चुके हैं, इनके बारे में या तो गवर्नमेंट्स या बड़ी इंस्टीट्यूशंस कुछ कर सकती है, लाइक द RBI। हम लोग क्या कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल इज आर पर्सनल डिसिप्लिन ऑफ मेकर चेकर। बैंकिंग एक सिंपल से फिनोमेना पे चलता है, वो है मेकर चेकर। इसका मतलब ये हुआ, हमारा कुछ डेटा तो नॉर्मली हम ऐसे ही अवेलेबल करा देते हैं और कुछ डेटा वो होता है जो हमारा ट्रांजैक्शनल डेटा होता है, जिसको कहते हैं पासवर्ड, जिसको कहते हैं पर्सनल डेटा। जी, लेकिन राठौड़ जी, मैं जानना चाह रहा हूँ, अभी तक तो ट्रैक वन की लीकेज होती थी जिसको माना जाता था कि ठीक है, पॉसिबल है कि ये लीकेज हो सकती है, लेकिन सर जो ये पीछे की काली पट्टी है, इसके अंदर जो जानकारी, ये कहा जाता था कि ये जानकारी लीक नहीं होती, लेकिन जो 12 लाख कार्ड लीक हुए हैं, जिनकी जानकारी लीक हुई, उसमें ट्रैक टू की जानकारी लीक है, आम आदमी तो नॉर्मली स्वैप कर देता है सर। सर ये जो जानकारी है ना, आपने जैसे इसको बोला लीक, मैं इसको कहते हैं प्रोवाइड। मुझे प्रोवाइड करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर मैं इस डेटा को नहीं दूंगा तो मेरा ट्रांजैक्शन कैसे होगा, बात समझ रहे हैं आप? जी, बट उसको ऑथेंटिकेट भी तो मैं ही कर रहा हूँ ना सर। लेकिन मैं तो बैंक के साथ उसको ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ, मैं उसको मशीन के साथ ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ। बिल्कुल सही, मैं उसको हैकर के साथ ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा, मैं उसको जोकर के साथ ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उनके पास है सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी आपने बोली कि जितना भी डेटा लीक हुआ है उसमें से मैक्सिमम डेटा इंडिया का गया है। जी, आप बात समझिए सर कि हमारे यहाँ पे कंप्यूटर से टैब से मोबाइल इतना जल्दी ट्रांजिशन हुआ है कि लोगों ने अपने सिक्योरिटी सिस्टम्स को टेकन फॉर ग्रांटेड किया है। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि जो डेटा चोरी कर रहे हैं, जो डेटा को आपसे ले रहे हैं, इट इज अ इंडस्ट्री, नॉट ए इंडियन इंडस्ट्री। मैं एक लाइन में जाना चाह रहा हूँ, क्या इस डेटा के चोरी होने के पीछे बैंकिंग सेक्टर का फेल्योर नहीं है? मैं नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि बैंकिंग सेक्टर उतना ही डेटा ले रहा है जितना आपको ट्रांजैक्शन की जरूरत है, हम उसको ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। हालांकि वी हैव टू मूव फास्टर। मैं जिस बैंकिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, हम लोग आयुष भारद्वाज सर, एक आम आदमी जो है वो जब ट्रांजेक्शन करने जाता है तो वो स्वाइप कर देता है, उसका विश्वास अपने बैंकिंग सेक्टर पर है, उसका विश्वास गवर्नमेंट पर है जो साइबर लॉज लेकर आया, उसका विश्वास है उस एक गेट कीपर पर जो ये ऑथेंटिकेट करता है कि उसका डाटा भी लीक नहीं होगा, पैसा भी नहीं जाएगा। लेकिन 12 लाख कार्ड का डाटा लीक हो जाना, ट्रैक टू हो जाना, आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ा फेलियर बैंकिंग सेक्टर का? बहुत बड़ा फेलियर है बैंकिंग सेक्टर के लिए और बहुत बड़ा फेलियर है गवर्नमेंट के लिए। देखिए, हम अभी तक चल रहे हैं IT Act 2000 पे। जी, जो टेक्नोलॉजी है लगभग 5 से 6 महीने में एडवांस होनी शुरू हो जाती है, मतलब हर 6 महीने में टेक्नोलॉजी एक एडवांसमेंट उसमें आता है, और हमारा एक्ट अभी भी 18 से 19 साल पुराना चल रहा है। फिर बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की। अब एक्चुअली दिक्कत क्या है कि 80% के आसपास जो हमारे ATMs हैं वो या तो विंडोज़ XP पे रन कर रहे हैं या विंडोज़ 7 पे रन कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ने 2010-11 के अंदर ही आउटडेटेड घोषित कर दिया था। दूसरी चीज़, हमारे आप देखेंगे, हमारे आप POS मशीन्स को आप देख लीजिए, चाहे हमारे ATM मशीन्स को आप देख लीजिए, वहाँ स्वाइपिंग का सिस्टम है, जबकि वर्ल्ड वाइड आप किसी भी कंट्री में जाइए वहाँ कार्ड्स डिप होते हैं। आप ये देखिए, जो 12 लाख जो कार्ड डिटेल्स लीक हुई है, इसमें सारे के सारे मैग्नेटिक स्ट्रिप का डेटा है। अब आप देखिए, US जैसी कंट्रीज़ में, ब्रिटेन जैसी कंट्रीज़ ने, जहां मैग्नेटिक स्ट्रिप्स ही बैन कर दी है, वहां सिर्फ EMV चिप वाला कार्ड है। आप डिप कीजिए,
का डेटा पूरा इनक्रिप्टेड है और आपका पूरा ट्रांजेक्शन हो जाएगा और कोई चाहे उसमें आप स्कीमर फिट करें चाहे कुछ भी करें आपका डेटा किसी भी तरीके से लीक नहीं होगा। इंडिया में क्या हो रहा है, आपने ईएमवी चिप के कार्ड्स तो बैंक ने इशू कर दिए, उसके साथ उन्होंने डिपिंग का फीचर भी दे दिया और साथ में मैग्नेटिक स्ट्रिप भी दे दिया, यानी दोनों को मिक्स करके दे दिया। अब क्या है कि जैसे आदमी पॉस मशीन्स में तो डिप करता है, जैसे एटीएम पे जाता है वहाँ स्वाइप कर देता है, उसको ये पता भी नहीं होता कि उस एटीएम पर स्कीमर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। तो सरकार पहली बात तो बैंकिंग सेक्टर खुद अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड नहीं कर रहा, दूसरी चीज़ आप देखिए 90% से ज़्यादा एटीएम मशीन्स पर गार्ड्स नहीं है, तो ऐसे में कोई भी आता है। एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जयपुर का सबसे पॉश एरिया, वहाँ पर आदतन मतलब ये कह सकते हैं कि 10 या 15 एटीएम मशीन्स हैं, वहाँ सब पे स्कीमर फिट कर दिए गए, 4 दिन तक लोगों के डेटा निकाले गए और पर एटीएम से 30 से 40 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, ये बात पिछले साल की है। जबकि वहाँ मतलब रनिंग रोड है, ऐसा कुछ नहीं कि वो सुनसान इलाका है, मगर ये शो करता है कि कितनी लापरवाही इस देश में हो रही है। लेकिन आयुष, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी बैंकिंग सेक्टर की? जी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, बिल्कुल कोई किंतु परंतु नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना बैंकिंग सेक्टर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, और वो इसको निभाने में नेता जेपी यादव जी भी जुड़ चुके हैं। जेपी यादव जी, देश बीजेपी के नेतृत्व में कैशलेस की तरफ बढ़ रहा है, ये मान रहे हैं? बिल्कुल। तो फिर आप ये भी मान रहे हैं कि जितना कैशलेस हिंदुस्तान में बढ़ रहा है उतना ही धोखाधड़ी के चांसेस भी बढ़ रहे हैं? देखिए सर, ऐसा है कि एक तो जो 12 लाख डेटा अभी जानकारी लगी है कि 12 लाख डेटा जो है वो लीक हो गए हैं क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड्स के, तो एक तो इसके अंदर सबसे जो चीज़ जो मुझे लगती है कहीं ना कहीं व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी लोगों को इसके अंदर अपने को समझनी चाहिए। अरे सर, व्यक्तिगत जिम्मेदारी क्या करेगी बताइए, आप पोस्ट मशीन में गए, आप जितने भी आप एटीएम मशीन में जाएंगे, अभी आईटी के अपने इसके जो जितने भी मशीन में जाएंगे वहां पर कार्ड को स्वाइप करना है, आपकी जानकारी वैसे ही वहां पर पहुंच जाएगी। सवाल जानकारी शेयर करने का नहीं, सवाल है उस हैकिंग का जिसके जरिए जानकारी सर मैं अलग प्लेटफॉर्म पर जा रही है। मैं आपसे वही कह रहा हूं विजेंद्र जी कि जैसे अपन कार्ड स्वैप करते हैं, अच्छा मुझे बताइए वहां पे कुछ लोग, अच्छा मुझे बताइए, अभी जैसे ने बताया कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान सबसे ज्यादा इनसिक्योर क्यों है, हिट कर दिए गए उसके अंदर जेपी जी, हिंदुस्तान सबसे ज्यादा इनसिक्योर क्यों सर? आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ जेपी जी, 13 लाख कार्ड की डिटेल जो है वो चोरी हुई है, धोखाधड़ी हुई है, उस 13 लाख में से 12 लाख हिंदुस्तान के कार्ड हैं। बिल्कुल सही, इतनी इनसिक्योरिटी सर। मैं बताता हूँ सर आपको, देखिए क्या हो रहा है सर कि जो पॉपुलेशन को हम केटर कर रहे हैं एज बैंकर्स, ये जो पॉपुलेशन है इट इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर, और मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि हमने टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर इतनी जल्दी किया है फ्रॉम बेसिक बैंकिंग, फ्रॉम रजिस्टर्स एंड नॉर्मल बैंकिंग टू फोन बैंकिंग इज हैपेंड इन 10 ईयर्स, 10 साल में यहाँ पहुँच गए, इसको केटर करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही जने की गलती है, जो इंडस्ट्री डेटा हैक करी है वो करेगी, बैंकर्स जो कर रहे हैं वो करेंगे। अच्छा मुझे बताइए, एजुकेशन सबसे जरूरी है। एक ही बैंक के 18% कार्ड हैं जो हैक कर लिए गए, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं अजमेर से, शैलेंद्र। शैलेंद्र बताइए क्या कहना चाहते हैं, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? सर ये बैंकिंग सिक्योरिटी की इतनी बात करते हैं, मैं कह रहा हूँ बैंकिंग ट्रांजेक्शन इनका इतना पूरा है मैडम सर कि आप इनका मैसेज टाइम से नहीं आता है जी। आज कोई पैसा डिपॉजिट होता है या आज कोई पैसा आउटपुट से निकल रहा है तो उसका मैसेज ये 2-2, 3-3 घंटे लगाते हैं जी। इनका क्या ये ट्रांजेक्शन करते हैं सर, ये इनका प्रॉपर तरीका सही नहीं है। कई बार SBI में एप्लीकेशन दे चुके हैं लेकिन ये कोई केयर नहीं करते। आयुष राठौड़ जी, सवाल आपके लिए सर, छोड़ दीजिए डाटा लीक होना, तो छोड़ दीजिए हैकिंग हो रही है, छोड़ दीजिए, सच्चाई है जी। आप पैसा डिपॉजिट करने जाएंगे तो भी मैसेज आए ना आए कोई नहीं जानता जी, पैसा आप निकालने जाएंगे तो भी मैसेज आए या नहीं आए कोई नहीं जानता। बात सर ने बोली, ऐसे ऐसे केस आए हैं सर कि कार्ड से स्वाइप हो गया, पैसा निकल गया और बंदे को पता ही नहीं। बिल्कुल मानता हूँ सर, और ये जो मैसेज का जो मैटर है इसको एनेक्डोटल एविडेंस कहते हैं भाई, किसने हुआ, कहाँ हुआ, किसको पता, किसी को नहीं पता है। मैं आपको बता देता हूँ, गलती से कई बार अपन SMS नहीं देखते हैं, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, हम और भी सीरियस चीज़ों की बात कर रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, डेटा लीक हो रहा है और लोग रिस्क में हैं, पैसा विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब इकोनॉमिक वायबिलिटी इज समबडीज, मतलब आदमी की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो चुकी है आज के डेट में, और अगर वो रिस्क में है तो काफ़ी चीज़ें रिस्क में है, अपने बच्चे का एजुकेशन रिस्क पे है, अपना इमरजेंसी रिस्क पे, जो भी मान लें आप। मेरे कहने का मतलब ये है, वी हैव टू एजुकेट पीपल। मैं ये कह रहा हूँ, जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है जिसका जिक्र आप बार बार कह रहे हैं, अगर हिंदुस्तान नेट बैंकिंग की तरफ बढ़ रहा है, कैशलेस की तरफ बढ़ रहा है,
तो ये बैंक की जिम्मेदारी नहीं कि सिक्योरिटी दे? सर, डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडिया हैपेंड आफ्टर 2014 के बाद में असली डिजिटलाइजेशन हुआ है, जो कि हमारे लिए एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज है इकोनॉमी के लिए और ग्रोथ के लिए. आज की डेट में इंडिया इज ट्रीटेड एज वन ऑफ द बेस्ट मार्केट्स. क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हम अब डेटा पे अवेलेबल है. पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया में कितने बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं, कितना एसेट्स हैं, कितने इन्वेस्टमेंट्स हैं, कितने लैंड पार्सल्स हैं. ये सर, सब वो तो पता होगा ही ना, जब सारा ही डाटा लीक हो रहा है. लीक नहीं हो रहा है, अवेलेबल हो रहा है. हमारे बैंकिंग सेक्टर अवेलेबल करा रहे हैं, हमारे अच्छे के लिए अवेलेबल हो रहा है. सर, डेटा नहीं होगा तो एनालिसिस क्या होगा? आयुष भारद्वाज, ट्रैक 2 का डाटा भी अवेलेबल करा दिया जाएगा हमारे भले के लिए? बिल्कुल भला नहीं है. और आपके ट्रैक 2 के डेटा से इजी गोइंग जो आपके डुप्लीकेट कार्ड्स तैयार हो सकते हैं. और आपको एक चीज़ और बता दूं, इंडिया के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो OTP और CVV दोनों के बेस्ड होते हैं. पहले आपसे कार्ड डिटेल्स एंटर करवाते हैं, देन CVV, फिर पेमेंट गेटवे पर पूरा जाता है और वहाँ से एक आपके फ़ोन पर एक OTP जनरेट होता है. आप जैसे ही OTP डालते हैं वो ट्रांजेक्शन हो जाता है. फॉरेन कंट्रीज़ में डायरेक्टली कार्ड वेरीफिकेशन वैल्यू अर्थात CVV के बेस्ड पर ही ट्रांजेक्शन हो रहा है. यानी बहुत से केसेज में आपको OTP जनरेट करने की जरूरत भी नहीं है. तो अब आपका जो ट्रैक 2 का डेटा है जो अवेलेबल हो गया है, कोई भी जो साइबर क्रिमिनल है उसको उठाएगा, एक ब्लैंक कार्ड को लेकर उसको राइट करेगा जो कि डीप वेब पर इजी गोइंग अवेलेबल है, और उसके बाद आपके कार्ड से वो जो भी क्राइम करना है. अच्छा, मुझे आयुष एक लाइन में बताइएगा, आयुष भारद्वाज मुझे एक लाइन में बताइएगा, अगर किसी के पास ट्रैप 2 ये जानकारी है, यानी कि जो इस काली पट्टी के नीचे की जानकारी है, और उसको अगर वो किसी अन्य कार्ड के ऊपर क्लोन करता है तो फिर उसके बाद भी OTP की जरूरत होगी या सीधा स्वैप होगा? देखिए, अगर नेशनल ट्रांजेक्शन यानी इंडिया के विद इन इंडिया ट्रांजेक्शन है तो OTP की जरूरत होगी. मगर फॉरेन ट्रांजेक्शन पर कई ऐसी वेबसाइट्स हैं, यहाँ तक कि Amazon खुद 2 या 3 साल पहले तक डायरेक्ट CVV के बेस पर डायरेक्टली ट्रांजेक्शन करता था. आप कार्ड डिटेल्स डालिए, CVV डालिए, तुरंत पैसा. JP यादव, देश को कैशलेस करिए मत करिए सर, सिक्योरिटी कम से कम दे दीजिए, धोखाधड़ी तो ना हो. विजेंद्र जी, मैं आपसे फिर एक बात कह रहा हूँ, यह कोई सरकार का विषय ऐसा नहीं है, इसके अंदर व्यक्ति को खुद की जिम्मेदारी समझनी चाहिए. आज अरे सर, व्यक्ति क्या करेगा, कमाल की बात है सर, समझना पड़ेगा. उसने कार्ड बनवाया है, जहां जो सुविधा उसके हिसाब से वह स्वाइप कर रहा है, मैं कह रहा हूं, वो कहां करेगा सर? अवेयरनेस जरूरी है बैंकिंग सेक्टर. ठीक है JP जी, मुझे बताइए अवेयरनेस किस चीज के लिए चाहिए सर? बैंकिंग सेक्टर्स को भी अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और डेवलप करने की जरूरत है. जिस प्रकार से जो साइबर जो हैकर्स जो है जो आज अपने डेटा हैक कर रहे हैं. चलिए, JP यादव जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आयुष सिंह राठौड़ जी आपका भी शुक्रिया, और आयुष भारद्वाज आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए. बैंकिंग सेक्टर को सुधार की जरूरत और गवर्नमेंट को कठोर नियम लाने की जरूरत, ताकि आपकी ये जानकारी किसी के साथ साझा ना हो, आपके साथ धोखाधड़ी ना हो. लेकिन साल की सबसे बड़ी धोखाधड़ी हो चुकी है.